ये है आगरा फोर्ट फ्रंट गेट आगरा फोर्ट का। हमने टिकट ले लिया 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था यहाँ पे। और देखो यहाँ पर पानी हुआ करता था, ये दिख रहा है रिवर साइड है, रिवर साइड। और अभी तो सूखा हो गया, ये पानी निकाल लिया उसके अंदर, मगरमच्छ हुआ करते थे उसके अंदर पानी के साथ में। ये आगरा फोर्ट को पूरा घेरा हुआ है, जैसे जो फोर्ट बनाते थे मुगलों के टाइम पे, फोर्ट थे कारीगरी एक नंबर है, पूरा रेड स्टोन में बना दिया उन्होंने, रेड मार्बल। ये देखो ये एंट्री गेट है सामने का, जहाँ से होते हुए अंदर जाने का है। आगरा फोर्ट वहाँ तक है, बहुत लंबा है आगरा फोर्ट। चलो हम अंदर जाते हैं, अंदर से बताता हूँ आपका आगरा फोर्ट कैसा है। ये एंट्रेंस आगरा फोर्ट का गेट, यहाँ पे फूड जो आइटम्स है वो प्रोहिबिटेड है अंदर ले जाने के। हमारा माइक छीन लिया यार अंदर, बोले माइक ले जा नहीं सकते। अब कैसी वॉइस आई थी क्या पता, देखते अंदर जाकर, जैसी वॉइस आई वैसी रिकॉर्ड कर लेंगे। आप हम कुछ ऑडियो की चेंजेस करेंगे किलर वॉइस के। दिस इज कॉल्ड ड्रम हाउस एंड दिस इज द एंट्रेंस। देखो ये है पैसेज, यहाँ पे तो घोड़े जाते थे। ये गेट है, आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है एक्चुअली। हमको कवर करने के वास्ते जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा उसको, सन डाउन होने के पहले पहले। ये है आगरा का फोर्ट ऊपर के साइड से। ये अंदर का एंट्रेंस, ये साइड का हमारे कुछ शॉलिंग मास्टर जाए हुए यहाँ पे। हाँ ये है माहिती आगरा किले के बारे में, स्टॉप करके पढ़ लेना, रीड कर लेना, नहीं पढ़ेगा तो अपने को क्या करने का। अपने पास में विकिपीडिया है, और ये है गेट, सेकंड गेट। ये अंदर साइड का है आगरा फोर्ट, आगरा किला। जो रेड फोर्ट है, लाल किला, वो दिल्ली में है। तो दिल्ली वाला किला बनवाया था शाहजहां, और उसको शाहजहां ग्रैंड फादर अकबर 1565 में, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। तो 1565 में शुरू हुआ, 1607 में ख़त्म हुआ। बनने में जो उसकी टाइमिंग आई ना 95 साल, 95 ईयर। किले का एरिया है 2.5 किलोमीटर, और तीन बेगम थी, पहली रानी थी रुकैया मुस्लिम, सेकंड थी मरियम क्रिश्चन, और तीसरी जोधाबाई। जोधाबाई से बेटा था जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था सलीम। ये सलीम का महल दिखाएंगे आपको अंदर ले जाकर, आइए। पुराने वाले ड्रेनेज, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ये किचन है, जेल कम किचन ज़्यादा दिख रहा हूँ, बनाया वाला किचन। ये किचन है दिख रहा था, खाना बनाने वाला। अभी भी खुशबुआरी बिरयानी की जैसे। राजा ने शादी नहीं किया तो अगर आप भी कहीं को लड़का नहीं, देखो भैया रहने का रूम बढ़िया का पालक कैसा बनाया, देख रहे डोली के डिज़ाइन में, और डोली के डिज़ाइन में बनाया, डोली के डिज़ाइन में। और शाहजहाँ यहाँ से ताजमहल देखा करता था। पहले जंगल है, बाहर वाले के घड़ियाल में पानी भर के, और तुम यहाँ आप आए ना सुरक्षा के लिए बनाया गया चारों साइड। देखो सर जितना ये जालियों से देखता था, इसके अंदर स्टोन्स थे
पर अंग्रेजों ने लूट कर लेके चले गए इसके ऊपर। ये बेडरूम था शाहजहाँ का। ये जो है ऊपर का एरिया है जहाँ से लेडीज लोग देखते थी वो टाइम के। और ये फवारे है, वो अंगूर का महल है, अंगूर की खेती होती थी वहाँ पे वाइन बनाने के वास्ते। और वो जहानारा का महल था पालकी वाला। अभी दूसरे तरफ जाते हैं अपन। जहानारा का पालकी नुमा बनाया गया है जहानारा का ताजमहल को देखने का। राजा को उस महल में बंदी बनाया था ना उनका लड़का औरंगजेब, जहाँ से बैठ के वो ताजमहल को देखते थे। बंदी क्यों बनाया था भैया? राजा ने वो ताजमहल बनवाया ना रानी मुमताज की याद में, और एक काला ताजमहल बनाना था वो जमुना के ऊपर। बेटे ने सोचा अब आप पूरा पैसा लगा देंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, लास्ट में फंड नहीं बचेगा, उनको कैद कर दिया, इंतकाल के बाद दफना दिया ताजमहल में। वहाँ पर दो कर रहे ये ऑफिस था, बड़ा ऑफिस, संसद भवन। सारे के सारे बैठा करते थे यहाँ पर, मंत्री वगैरह सब, शाहजहाँ सब यहाँ पर बैठते थे मीटिंग्स के लिए। ये बड़ा संसद भवन बनाया था इन्होंने तोप का। ये बैठने का शाहजहाँ का, तोप का गोला लगने की वजह से ये टूट गया था आधा, और थोड़ा जहांगीर के पत्थर की वजह से इसके दो टुकड़े हो गए। और एक जगह होल है, वहाँ पर होल हो गया कहीं तो भी। हाँ वो साइड में, यहाँ से ताजमहल देखो सही लग रहा ताजमहल। जो पत्थर से सोना चेक करते थे, सोने के जो जेवरात रहते थे उसको घस कर देखते थे, इसे चेक करते थे। बैठने का सिंहासन है ये, और एक सिंहासन वहाँ पर है जो है संगमरमर का बने हुआ, जिसको दीवाने खास कहते थे। राजा अपने बीवियों के साथ में यहाँ पर बैठा करते थे। देखो यहाँ पर स्विमिंग पूल था, जो ग्रीनरी बताई है, यहाँ पर गार्डन के अंदर स्विमिंग पूल था, फिर बाद में उसको गार्डन बना दिया गया उसको ये पीछे। और यहाँ से ताजमहल कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है ताजमहल, और ज़्यादा बड़ा दिखेगा पीछे की साइड से। मशाल लगाई जाती थी, ये जो दिख रहे थे हैंकर्स उसके अंदर। ये वजू बनाने का सिस्टम, बीच में फवारा हुआ करता था। ये देखो ड्रेनेज, नगीना मस्जिद के अंदर के साइड का एरिया। बहुत ही बेहतरीन महल है ये, देखो पूरा वाइट टेक्सचर, एकदम पावरफुल। ये नगीना मस्जिद सामने की, जो हम गए थे अंदर, और वापस हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। हमने गाइड कर लिया, गाइड पूरा बता रहे हैं हमको। राजा ऊपर बैठे थे, मंत्री साहब चौक पर रहे, रानी कुत्ते में बैठे थे, तो जनता। ये जो दिख रहा है आपको वो है दरबार आम, और यहाँ से प्रजा आती थी अंदर और राजा को सलाम करके शाहजहाँ को आगे निकल जाती थी। और मोती मस्जिद है वो साइड में, और ये सामने जो अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए कब्रस्तान बना के गए यहाँ पे। एक अंग्रेज़ की जो गवर्नर था वहाँ पे उसकी कब्र है, मैं आपको क्लोज लुक दे दूँगा आपको। वो यहाँ पे शहीद हुआ था या तो जिंदेकाल हो गया था उसका, तो यहाँ पर उसको दफना दिया, मस्त संगमरमर में दफना है उसको। यानी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस। यह है तोप, वो है मोती मस्जिद सामने की, यह है दीवाने। तोप मैंने ऐसा बोला था
अपन लोग इंडियन तोप है, तो ये तोप है बनाई हुई, और ये दीवान लगता था, यहाँ पे दीवाने आम लोग आते थे, अपनी अपनी सुनाते थे, फिर राजा उस पर डिसीजन लेते थे, फिर आप में रिप्लाई देते थे। जैसे ये जो सिस्टम है रिप्लाई देने वाला प्रजा का आने का, ये इस्लाम के अंदर उमर बिन खत्ताब ने शुरू करे थे, लोगों की सुनते थे। जैसे वैसे तो हमारे प्यारे नबी ने भी शुरू किया था लोगों की फरमाइश सुनना, उस पर अमल करना, अदालतें बनाना। अदालत सब में बड़ी बनाई गई थी, उमर बिन खत्ताब ने अदालत बनाई थी। तो ये जो है ये वही अदालत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये वही सिलसिले से आते हैं सारे के सारे मुग़ल, जो हमारा उमर बिन खत्ताब की सल्तनत में जो डिसीजन लिए जाते थे वही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं सब लोग जो मुगल्स थे। और खूबसूरत डिज़ाइंस बना के चले गए इंडिया के अंदर। चलो अच्छा हुआ, हमारा फ़ायदा हो गया। और यह गार्डन सिल मारने के लिए सामने बहुत बढ़िया गार्डन बनाया है यहाँ पे उन्होंने आगरा फोर्ट के अंदर। और ये है एग्ज़िट डोर है वो साइड से डबल सेंट। मीना बाजार मोती मस्जिद रेस्ट्रिक्ट किया है इन्होंने एरिया। क्या बड़े बड़े मीनारा, क्या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए उन्होंने लोग, दो दो तीन तीन लोग के वास्ते इतने इतने बड़े महल बना दिए। क्या तो भी करते हैं लोग। गार्डन तो इतने खूबसूरत बनाए ना, खुद के रहने के वास्ते बनाए हैं कि अपने वास्ते बनाए मालूम नहीं, सिर्फ लोगों को अट्रैक्शन के वास्ते और टूरिज्म को प्रमोट करने के वास्ते मुगलों ने छोड़ के चल गए इधर। ये देखो है, ये जो बाशिंदा दिख रहा था हमने, ये अपने इंडिया का भी नहीं है। ये देखो, देखना ऐसे रसेल कॉलविन की कब्र है ये। ये जनरल था बंदा, तो यहाँ पर जब आया था, जब अपने अंग्रेज़ों ने लूट के चले गए थे इंडिया को, तो ये टाइम पे ये आया था, यहाँ पर ही मरे गया, तो इसको यही दफना दिए इन अंग्रेज़ों ने। कुछ नहीं करे, सिर्फ मार्बल यूज़ करके अपनी अपनी कब्रें बनाने का काम करे यहाँ पर। सब बोले तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बना दी मुग़लों ने, शाहजहाँ ने, खूबसूरत, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कमाई करके देती है। जैसे मैंने बोला ताजमहल 300 करोड़ तक कमा के देता है, और जो अपना 100 करोड़ तक का एक महीने के अंदर ये जो है आगरा फोर्ट को कमा के देता है। राइट, ये देखो जॉन रसल्स की। अब ये है एग्ज़िट डोर। आज के पास में कोहिनूर था, बात पता है आपको, कोहिनूर हीरा वो सरपास होते गए आगे, और फिर अंग्रेज़ों ने उसको इंडिया में से लूट के ले गया। हमारी कोहिनूर का इतिहास है।